हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो वीकली एक्सपायरी है वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गई होगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में कल जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे है इस वीक का, उसको कैसे अप्रोच करें लॉजिकली, ये डिस्कस करेंगे। क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होने चाहिए, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए, तो इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड है प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी या फ्लैट होगी। एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स पे चलेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें यूएस की मार्केट को, तो कल फ्लैट नोट पर क्लोज हुई थी डाउ जोन्स। जो टेक हैवी इंडेक्स है यूएस की नैसडेक, उसमें सेलिंग थी 170 के आस पॉइंट, 170 पॉइंट्स गिर के बंद हुई थी। तो हल्का फुल्का नेगेटिव सेंटिमेंट था। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें जो अभी ओपन है, कुछ आपको नेगेटिव नज़र आएंगी, कुछ पॉजिटिव नज़र आएंगी। तो आप ये कह सकते हो मिला जुला सेंटिमेंट है, ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। तो कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तो हम विटनेस नहीं करने वाले। और जो आरबीआई की पॉलिसी आई है वो भी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही आई है, ऐसा कुछ नेगेटिव या बहुत बड़ा पॉजिटिव उससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि अभी यूएस की मार्केट का जो फ्यूचर्स है वो कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, वो भी फ्लैट ट्रेड हो रहे हैं। तो फ्लैट काइंड ऑफ सिनेरियो है, हम कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन कल विटनेस नहीं करने वाले, हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन हम विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें आज की मार्केट में क्या हुआ। तो निफ्टी 100 पॉइंट्स के आसपास घिर के बंद हुई है, बैंक निफ्टी 280 पॉइंट्स घिर के बंद हुई है। तो इनिशियली मार्केट फ्लैट से लेकर पॉजिटिव ट्रेड हो रही थी और लास्ट 1 घंटे में सेलिंग आई है। बैंक निफ्टी ने जस्ट, अगर एक्सपायरी आप देखोगे, 43,995, 44,000 के इम्पॉर्टेंट लेवल के जस्ट नीचे कर आई है। और जो निफ्टी है उसकी एक्सपायरी 18,600 के जस्ट ऊपर हुई है। तो जो सेलिंग आई है ये लास्ट आधे घंटे में प्योरली एक्सपायरी बेस्ड सेलिंग है, पोजिशंस थी एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपायरी हुई है। ठीक है, तो अब चलते हैं ओवरऑल ट्रेंड देखने की तरफ। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं है। जो निफ्टी है स्टिल 750 का आज अपना टारगेट अचीव कराई है और वहाँ पर एक बेरिश सिग्नल देखी गई है। अगर कोई करेक्शन आया, अगेन वो हेल्दी करेक्शन होगा, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी होगी और वो टूवर्ड्स 13 EMA में आ सकता है। तो जब तक स्टिल 13 EMA के ऊपर है, जो हेल्थ है हम वो कह सकते हैं वो स्ट्रांग है, हेल्थ में कोई भी वीकनेस नहीं आई है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ही प्रेजेंट होगी। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें कि आज अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली, तो इस दो पिछले 2-4-5 दिन से मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड है। अगर हम आज की मार्केट की बात करें, आज फिर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम था मार्केट में। आज की अगर हम पहली कैंडल देखें तो वो यहाँ पर थी और ये आपका मार्केट रहा है। तो लास्ट में सेकेंड हाफ में आरबीआई पॉलिसी के बाद मोमेंटम आई है, उससे पहले नहीं आई थी। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कहाँ कहाँ बन सकती थी, तो एक तो यहाँ बन सकती थी क्योंकि 18,750 का एक लेवल था, उसको इसने ब्रेक किया था, 13 EMA भी ब्रेक किया था, उसके बाद सस्टेन करा था, फिर आप एक पुट की एंट्री ले सकते थे। टारगेट 600 के आसपास होता, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। एक एंट्री ये थी जिसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता था डिसेंट। एक एंट्री हो सकता है आप लोगों ने तब लियो जब इसने 750 को गेन करा और सस्टेन करा था, तब आप बाय कर सकते थे। टारगेट आपका होता 18,800, अनफॉर्चुनेटली टारगेट नहीं आया है। और जो निफ्टी ने अपना हाई बनाया, अगर आप देखोगे वो बनाया है 18,777 का और वहाँ से गिर गई है। तो अगर आपने ये एंट्री ली होती और आप टारगेट का इंतज़ार कर रहे होते तो नो डाउट आपका SL हिट हो गया। अगर आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गए तो अलग बात है। तो ये एंट्रीज बनी थी निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ओवरऑल रिस्क के ट्रेंड में भी कोई वीकनेस अभी तो नहीं आई है, बट आज बड़े क्रूशल लेवल पे बंद हुई है, जस्ट 13 EMA के ऊपर बंद होके गई है। हम लेट्स सी कल क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,000 EMA भी अब तो वहाँ पे आ चुका है। इसका ब्रेकआउट नीचे की साइड थोड़े बहुत एक फर्दर करेक्शन को ट्रिगर कर सकता है और अगर कल बच जाता है इट्स अ गुड थिंग। अब अगर हम बात करें इंट्राडे में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो ये चार्ट है। आज फिर भी मार्केट में मोमेंटम था, ऐसा नहीं था कि मोमेंटम लेस मार्केट हो। यहाँ से स्टार्ट हुए मार्केट और एक एंट्री आपकी बन सकती थी। एक तो था 200 से 250 का जोन था, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो इस कैंडल में, इस कैंडल में उस जोन को गेन कर लिया था
उसके बाद सस्टेन भी कर गई थी, फिर आप एंट्री ले सकते थे। टारगेट आपका 44,500 होता, बट 44,500 तक गई नहीं है, गई कहाँ तक है, 44,450 के आसपास तक गई है। तो डिसेंट प्रॉफिट नो डाउट आपको हो रहा होता, बट एग्जैक्ट टारगेट नहीं हिट हुआ है। तो एक तो ये बनी थी। उसके बाद एक ट्रेड आप तब ले सकते थे जब इसने EMA ब्रेक करके सस्टेन किया, तब ले सकते थे। या उसके बाद अगर आप देखोगे तो 200 का 250 का जोन पास आ गया था, तो 200 से 250 के जोन के ब्रेक होने के बाद आप ले सकते थे, तो वो भी आपको डिसेंट प्रॉफिट दे जाती 44,000 के टारगेट के साथ। तो बैंक निफ्टी में रिलेटिवली बेटर एंट्रीज बनी थी। निफ्टी में जो एंट्री बनी, एक में स्टॉप लॉस हिट गया क्योंकि प्रॉपर टारगेट आया नहीं, हो सकता है आप ना निकले हो, और ऑब्वियस है निकलना बनता भी नहीं था, तो स्टॉप लॉस हिट ही माना जाएगा, और एक में आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये थी आज के मार्केट। ओवरऑल ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव ही मानेंगे, स्टिल 13 EMA के ऊपर है, स्टिल अपने मेजोरिटी लेवल्स के ऊपर है। कल का दिन मेक और ब्रेक का दिन होगा, साथ में कल वीकली क्लोजिंग भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होगा, देखना बहुत ज़रूरी है कल की क्लोजिंग को, देन आने वाले वीक की डायरेक्शन उसके हिसाब से हम डिस्कस कर पाएंगे या प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब कल के मार्केट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो तीन हमारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं, सबसे पहली चीज़ स्पॉट के लेवल हैं इंडेक्स के, इनमें अगर एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो पहली चीज़, या ऑप्शंस में ले सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस में हमेशा सवाल रहता है कौन से स्ट्राइक ले, तो मैं जस्ट आउट द मनी प्रिफर करता हूँ, कॉल में भी पुट में भी, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अब आप कहोगे डेल्टा क्या होता है, कुछ आप में से पूछ सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के सिंप्लीफाइड चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। तो सपोर्ट है 18,500 से 526, 250, रेसिस्टेंस है 700 से 750 या 19,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 18,950 के ऊपर वाली कॉल सेल, 18,150 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपके सामने लेवल्स रहे, इनके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से विजुलाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स रहे, निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। अभी निफ्टी का चार्ट है, तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हैं, गैप अप, गैप गैप डाउन और फ्लैट। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है, काफ़ी वीक फेस पे बंद हुई है, हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए, कोई बड़ा तो विटनेस नहीं होगा, तो एक बार गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, गैप अप के केस में क्या है, निफ्टी बंद हुई है 18,634 पे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है 700 से 750 का, जिसे आज गिव अप करके बंद हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके बीच में नीचे ऊपर कहीं भी खुलती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, मतलब दो कैंडल कंजिक्यूटिवली इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम। 18,800 और 18,875 से 900 आपका टारगेट होगा, कौन सी कॉल बाय करें, जस्ट आउट द मनी। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करोगे 18,600 पहला, और 18,500 से 526 का जोन आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा, कौन सी पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। अब बात आई टारगेट की, टारगेट वो हमने डिस्कस कर लिए, स्ट्राइक के स्ट्राइक हमने डिस्कस कर लिए, अब बचा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में, इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अब 50 पॉइंट्स ये इंडेक्स का है, प्रीमियम का नहीं है। प्रीमियम में अगर हम देखें 0.4 का डेल्टा है, 50 पॉइंट्स का हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी, पुट के केस में भी। ये था गैप अप के केस में। फ्लैट के केस में देख लेते हैं क्या हो सकता है। फ्लैट के केस का मतलब है कि निफ्टी बंद हुई है 18,634 पे, और इसके अराउंड ही ओपन हो जाए। अगर इसके अराउंड ओपन होती है, तो एक जोन आ रहा है ऊपर 700 से 750 का, नीचे लेवल आ रहा है 500 से 526 का जोन आ रहा है, इसके बीच में कहीं खुलेगी, और एक बीच में 600 का जोन आ रहा है, तो इसके बीच में कहीं खुलेगी 600 से इसके बीच में। तो ओपन होने के बाद अगर नीचे आए, इसको ब्रेक करें और सस्टेन करें, इट्स अ पुट बाय साइन, टारगेट क्या होगा, ये होगा। और इसको ब्रेक ना कर पाए, तो इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय करेंगे, 700 से 750 आपका टारगेट हो जाएगा पहली चीज़। और अगर प्राइस में राइज आने लगता है खुलने के बाद,
और 700 से 750 के जोन में आती है, इसे ब्रेक नहीं कर पाती है तो इट्स अ पुट बाय टाइम, ब्रेक करती है तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। टारगेट 18800 एंड 18875 से 900 का जोन। तो ये था कि अगर फ्लैट ओपन हो तो हम क्या करें। लास्ट है गैप डाउन का केस, कि मार्केट अगर गैप डाउन हो तो हम कैसे डील करें। गैप डाउन के केस में ये लेवल आ रहा है 18600, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ पुट बाय साइन। पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट विल बी 18500 से 526 का जो। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है, 700 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा। तो ये था कि अगर निफ्टी को कल हमें गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के केस में लॉजिकली ट्रेड करना है तो कैसे करें। अब चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 44 और 43.5, रेसिस्टेंस है 44.5 एंड 45,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 45 के ऊपर वाली कॉल सेल, 42 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिसकी हेल्प से आप लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। मैं एक बार चार्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी से। एक बार गैप अप से स्टार्ट करते हैं, तो गैप अप का केस देख लेते हैं। तो निफ्टी बंद हुई है बैंक निफ्टी 43,996 के अराउंड, यानी ऑलमोस्ट 44,000 बंद हुई है। गैप अप के केस में 200 से 250 का जोन आ रहा है। अगर इसके बीच में नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करेंगे, 44,500 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब आप पुट बाय करेंगे। कौन सी, जस्ट आउट द मनी, 44,000 पहला और 43,700 से 750 का जोन आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। टारगेट हो गए, स्ट्राइक हो गई, अब बचा एक चीज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो कॉल के केस में ये हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कई लोग क्या 100 पॉइंट प्रीमियम का सोचेंगे, तो फॉर्चुनेटली ये प्रीमियम का नहीं है, ये इंडेक्स का है। प्रीमियम के टर्म में क्या होगा, 0.4 डेल्टा है, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 40 पॉइंट्स ऊपर या नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये था कि गैप अप हो तो कैसे हम डील करें। अब गैप डाउन भी हो सकता है और फ्लैट भी ओपन हो सकता है, तो फ्लैट के केस में देखते हैं। फ्लैट के केस में मतलब मार्केट 44,000 पे ही खुलेगा। अब ये इंटरेस्टिंग होगा, अगर 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, एक कैंडल सस्टेन करता है, मतलब आप कॉल बाय करेंगे, 200 से 250 का जोन आपका पहला टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे देता है, एक कैंडल सस्टेन करता है, आप पुट बाय करेंगे, 700 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा, ठीक है। तो ये था फ्लैट के केस में। अगला है लास्ट गैप डाउन। गैप डाउन का मतलब है कि 44,000 का लेवल ये आ रहा है और नीचे 43,750 से 700 का जोन आ रहा है। इस पर खुले, इसके नीचे खुले, ऊपर खुले, कहीं भी, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करेंगे, 43,500 आपका टारगेट हो जाएगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय टाइम, 44 आपका फर्स्ट एंड 44,200 से 250 का जोन सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ। सपोर्ट है 400 से 426, 250, रेसिस्टेंस है 500 और 600 से 650 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 19,850 के ऊपर वाली और 18,950 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो उम्मीद करता हूँ हमने ये जो डिस्कशन किया कल के मार्केट में आपको लॉजिकली ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में हमें कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हैं, और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो वो भी कर सकते हैं। तो इसी विश के साथ आने वाला दिन प्रॉफिटेबल हो, हैप्पी ट्रेडिंग एंड करते हैं। एक ज़रूरी चीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तो अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हो, तो विद लॉजिक ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक के बिना ट्रेड करेंगे तो अपनी मनी बर्न करना ही होगा। लॉजिक के साथ ट्रेड करें, ट्राई करें कि हेज ट्रेड करें ताकि हम अच्छे से प्रॉफिटेबली सस्टेन कर पाए। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।